गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले माजरत खां है हम दो वजूहात की वजह से। एक तो जो मुकरर शुदा वक्त था उस पे हम जो है आपके साथ नहीं जुड़ पाए, लाइव नहीं आ पाए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम फेसबुक के ऊपर लाइव आएंगे और माफी चाहूंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव आएंगे। उसके वजूहात कई सारे थे। एक तो ये था कि बहुत सारे हमारे जो हमारे साथ जो बुजुर्ग जुड़ते थे, जो एल्डरली पीपल जुड़ते थे, उनको जो है फेसबुक का ज्यादा एक्सेस नहीं है और बहुत सारी हमारी बहनें हमारे भाई जो हैं फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से सब जो है सोशल मीडिया टाइम कम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया बहुत हमारा वक्त लेता है, उसकी वजह से हमने डिसीजन लिया था कि हम यूट्यूब के ऊपर जो है लाइव आया करेंगे। लेकिन आज हम हमने कोशिश की तो कुछ टेक्निकल ग्लिच्स आए, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, जिसकी वजह से जो है हमें वापस फेसबुक पे लाइव आना पड़ा। और इस वक्त जितने भी हमारे साथ हमें देखने वाले हैं उन सब से हम माजरत खां हैं। जितने भी पुरुमीद थे कि हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, आपने मुकर्रर वक्त पे लाइव आएंगे, उनसे भी हम माजरत खां हैं। और इंशाल्लाह रहमान आज के प्रोग्राम में जिन टेक्निकल ग्लिच का हमने सामना किया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में इन टेक्निकल ग्लिचेस से दो चार ना हो। अब सबसे पहले चूंकि मैं आपको इस पूरे इनिशिएटिव का पस मंजर बता दूं और पूरे इस इनिशिएटिव को किस तरह से हम चलाने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप चूंकि बखूबी वाकिफ है कि रमजान मुबारक से ही देखे आज तक जो है हम कई सारे इनिशिएटिव उठाते गए। रमजान मुबारक में अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से और अल्लाह ताला की तौफीक से हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसमें कि हमने उमरा पैकेज भी रखा था और उस क्विज में हमने उमरा पैकेज रखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तिताम पजीर हुआ। उसके मजीद हम रोजाना गिव अवे भी रखते थे, जिसमें हम अलग अलग अकसाम के गिफ्ट्स भी देते थे। उसके बाद कई सारे प्रोग्राम्स हमने लाए और जिस दिन हमने उमराह का पैकेज किया था, जिस दिन हमने उमराह के हवाले से जो है प्रोग्राम किया था जो कश्मीर हार्वर्ड स्कूल में, उसी मंच पे जो है हमारे एडिटर इन चीफ मोहतरम अल्ताफ साहब ने आप तमाम लोगों से जो है वादा किया था कि हम जल्द अज जल्द और एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे, और उसी बात को लेके वादाबंद आज हम हैं और इस प्रोग्राम की जो है आज इंशाल्लाह हम शुरुआत करेंगे। पिछली इतवार को हमने इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम तर चीजें आपको एक्सप्लेन की थी कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह मुस्तान किस तरह से चलेगा, क्या कुछ चीजें इसमें लवाजमात हैं, इसमें प्रोसीजर क्या है, वो हमने अब एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं फिर से आपका वक्त लेते हुए ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। इसमें सबसे पहले जो है ये एक क्विज है, इसका नाम हमने क्विज जोन रखा है और इसमें तीन बक्से आप यहां पे देख सकते हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। ये जो तीन बक्से हैं, इन तीन बड़े बक्सों में से दो बॉक्सेस के अंदर जो है गिफ्ट्स होंगे, यानी कि तीन बॉक्सेस तो हैं लेकिन तीनों बॉक्सेस में गिफ्ट नहीं होंगे बल्कि खाली दो बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट होंगे। और उसके बाद जो है आपके सामने तीन बॉक्सेस हैं, छोटे तीन बॉक्सेस हैं, इन्हीं के हवाले से क्वेश्चंस होंगे। दो सवालात हम रोजाना पूछेंगे, यानी कि असर जुम्मा की असर नमाज से पहले या असर नमाज के बाद, जो भी असर का वक्त नमाज होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 5:45 पे लाइव आए, लेकिन आज भी हमने कोशिश की थी कि हम 5:45 पे लाइव आए, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह अश्काल था कि उस वक्त जो है असर का नमाज हो, असर नमाज का जो है वक्त होता है, तो उसकी वजह से जो वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि कश्मीर के दूर दराज इलाकों से, वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो उस बात का ख्याल रखते हुए हमने जो है इस प्रोग्राम को 6 बजे लिया था, लेकिन उसमें भी फिर से जो है टेक्निकल ग्लिच आया। इंशाअल्लाह रहमान अगले आने वाले जो और तीन जुमे हैं उनमें भी हम असर नमाज के बाद ही 6 बजे ये प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रोग्राम 15 मिनट का होगा और इस 15 मिनट के प्रोग्राम में जो है हम दो सवाल आपसे पूछेंगे और वो दोनों सवाल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंसलिक होंगे, के मुतल्लिक होंगे। तो आपने दोनों सवाल का जवाब देना है, यानी कि आप अलग अलग कमेंट्स में ना दें, एक कमेंट में एक का जवाब ना दें और दूसरे सवाल का दूसरे कमेंट में जवाब ना दें, बल्कि एक साथ दोनों कमेंट का जवाब, दोनों सवाल का एक ही कमेंट में जवाब दें, वो लाजमी है। और उसके बाद आप नीचे ये जरूर लिखें कि आप जो है किस बक्से में अपना जवाब डालना चाहते हैं, बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, बॉक्स नंबर 3 है, इन तीनों में से आप किस बॉक्स में जो है
अपना जवाब डालना चाहते हैं उसे आप लाजमी लिखें, क्योंकि वो जरूरी है। उसी से जो है जब हम लकी ड्रॉ उठाएंगे, यानी कि इन तीन इन बॉक्सों में से लकी ड्रॉ उठाएंगे, तो वो तभी उठ पाएगा जब आप सही तौर पे ये बताएंगे कि आप अपना जवाब जो है किस बॉक्स में डालना चाहते हैं। इसमें और एक चीज जो है वो आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप जो है अगर 15 मिनट के बाद आंसर देते हैं, यानी कि हम 20 मिनट में तक जो है लाइव रोजाना आया करेंगे, यानी कि हर जुमे को, और उसके बाद अगर आप इन 20 मिनट के बाद यानी कि 21 मिनट पे आप आंसर देते हैं तो आपका जवाब कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी सोशल मीडिया टीम है, वो पूरी तरह से इस चीज को मॉनिटर कर रही है और इन्हीं जवाब को जो है वो कंसिडर करेंगी जो बर वक्त दिए जाएंगे। इसके मजीद आपके साथ दूसरी चीज भी शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप अपने कमेंट्स का, अपने आंसर्स का स्क्रीनशॉट उठाइए, और वो स्क्रीनशॉट्स, ये क्योंकि हम जवाब मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन पिछली प्रोग्राम्स में भी हमारे साथ यही मसला दरपेश आया था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनके जवाब जो हैं वो मिस हो रहे हैं, क्योंकि उसमें 5000 4000 2000 कमेंट्स आते थे, तो ऐसा होता था कि कभी किसी का मिस हो। तो इस बार हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी शख्स से कोई भी शख्स जो है वो शिकायत करें, तो इसलिए एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया हुआ है 7889674207। इस नंबर पे जो है आप अपने स्क्रीनशॉट्स अपने जवाब के देंगे। अब और एक पहलू जो है वो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, वो ये है कि ये लकी ड्रॉ कब उठेगा। तो चार फ्राइडे यानी कि हर महीने के में चार हफ्ते होते हैं, चार हफ्ते में जो जो दिनों का सरदार है यानी कि जुम्मा, उसी जुम्मा के दिन असर के वक्त के करीब, चूंकि असर का वक्त बड़ा मौजून होता है, और उसी वक्त के करीब हम जो है लाइव आया करेंगे, यानी कि हफ्ते में एक दिन महीने में चार बार जुमा के दिन असर के वक्त हम जो है लाइव आया करेंगे, और आपने चारों जुम्मों में हमारे साथ जुड़ना है, जवाब देने हैं। उसके बाद जो है चौथे जुमे के बाद जो सब्सिक्वेंट इतवार होगी, जो संडे होंगी, उस दिन भी हम इसी वक्त यानी असर के वक्त ही लाइव आया करेंगे, और महीने के एंड में जो है ये लकी ड्रॉ उठाएंगे। इसमें से मैंने कहा कि दो बक्सों, इन तीन बक्सों में से दो बक्सों के अंदर जो है गिफ्ट्स होंगे और एक बक्स जो खाली होगा। तो आप जब जवाब देंगे तो इसमें जरूर लिखिएगा कि आप किस बॉक्स में अपना जो है लकी ड्रॉ, अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। अब और एक चीज जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं उसके बाद में हमारे मोहतरम अल्ताफ साहब को दावत दूंगा कि वो चंद कलमात आपके साथ शेयर करें, इसमें एक बड़ी लाजमी चीज है कि हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जितने भी लोग हैं वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर दें। अगर आप लाजमी समझते हैं तो आप दें, अगर नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे माए बहनें जुड़ती हैं, उनका इश्काल ये था कि वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है नंबर दे दें। नंबर के पीछे यही यही एक जो है हमारी सोच थी कि अगर जो विनर बनता है तो उसके साथ हम राबता कर सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो नंबर जरूर दीजिएगा, अगर नहीं करते हैं कंफर्टेबल तो कोई बात नहीं, जब आपके आपके नाम का यहाँ पे पर्चा उठेगा और अगर आप जो है गिफ्ट जीतते हैं तो लाजमी है उस वक्त अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा तो आपको हमारे साथ राबता वहीं से करना पड़ेगा। तो ये दो तीन चीजें थी जो आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा। अब मैं दावा देता हूं हमारे मोहतरम एडिटर इन चीफ अल्ताफ साहब को कि वो दो तीन बातें आपके साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, सभी मेरे दोस्तों को सलाम, और मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, मेरी माएँ, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करें। ये मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है, क्योंकि लोग जुड़ने लगे हैं, तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको सबसे पहले शेयर का बटन दबाएं। और दूसरा ये है कि अभी हम फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक पर ही जवाब दें, तो आपका जो जवाब होगा वो फेसबुक पे ही कंसिडर किया जाएगा। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप शेयर का बटन दबा के इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ इस वक्त करीब करीब 200 लोग जुड़े हैं, 150 लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहली मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको सबसे पहले शेयर करें। और जो कुछ भी अबराज साहब ने बताया है वही प्रोसीजर है,
और मैं यहाँ अबरार साहब की बात को आगे बढ़ा के, ये जो हमने ये इस्लामिक प्रोग्राम रखा है, ये इन्होंने कहा है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सवालात हैं उन्हीं के हवाले से होंगे, और हमारा जो मकसद है दीन इस्लाम के हवाले से घर घर में नॉलेज बढ़ाने का, तो इंशाल्लाह रहमान हमारी कोशिश जारी है, और आपकी भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। पिछली दफ़ा हमारा भी पहला जो प्रोग्राम था वो इनिशिएटिव हमारे लिए भी पहला ही था, और आपने भी वैसा ही एक्सपीरियंस किया होगा पहली बार, और ये प्रोग्राम भी आप पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि हम दीन इस्लाम के हवाले, दीन इस्लाम के साथ साथ इसमें जो गिफ्ट आपको मिलेगा वो आप एक अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने पूरे रिश्ते में, और जहां आप उसको चाहें। तो जैसे हम अल्लाह ताला के लिए अजर हासिल करना चाहते हैं तो आप भी अजर हासिल करेंगे, और आप शौक होंगे जब आप इंशाल्लाह रहमान जो भी आप में से वो गिफ्ट हासिल करेगा। गिफ्ट बड़ा सोच समझ के, इसी वजह से हमें इतना टाइम लगा कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं क्या, ये एक बहुत बड़ा मसला था। और एक गिफ्ट आप जब देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, तीन बॉक्सेस की इन्होंने जिक्र की, दो बॉक्सेस में दो ऐसे गिफ्ट होंगे जो आपको हैरान करेंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो भी इंशाल्लाह रहमान हमें सराहेगी और इस क्यूएनएस की टीम को दुआओं में याद रखेगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तीन बॉक्सेस हैं, तीन बॉक्सेस में से दो बॉक्सेस में इनामात होंगे, और वो भी मैं कह रहा हूं कि बार बार इनामात बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, जो बिल्कुल आप उससे अपने हमारे लिए भी सदके जरिए बना सकते हैं, अपने लिए भी सदके जरिए बना सकते हैं, और दूसरों के लिए भी सदके जरिए बन सकते हैं। तो मेरी सबसे दरखास्त है, मैं कुछ नाम लेना यहाँ चाहूंगा, हिना गुलजार हमारे से जुड़ी, मोहम्मद फारूक, इशफाक अहमद, जायदा बट सब मैं जानता हूँ, नजीर शाह ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, मीर यूनुस ये भी जुड़े हैं। मैं कुछ यहाँ पे बात करना चाहूंगा, शेखुल आलम मिड सिटी जो हमारे साथ जुड़े, मेडिकल सेंटर हमारे साथ जुड़ा है, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और खैबर सीमेंट्स एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और नेक्स्ट जनरेशन वुड इन्होंने शुरुआत की है अपने बिजनेस की, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन सबका मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और वली एंड सन्स हमारे साथ जुड़े हैं जो आप बॉक्स पे देखते हैं, इनका हम एडवर्टाइज करते हैं, और ये जो पैसा आता है इनका जो पैसा होगा इंशाल्लाह रहमान या मेरे दोस्तों का जो पैसा होगा वो आपको इंशाल्लाह इन बॉक्सेस में मिलेगा गिफ्ट के शक्ल में। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शेयर करना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा जो सवाल, चूंकि आज इनिशियल है तो इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जो सवालात हैं सवालात को अपना टाइम आपको बिल्कुल मिलेगा कि आप अपने सवालात का जवाब देंगे, और हम तब तक डिस्कशन में भी रहेंगे, ये जरूरी बातें थी। और जो लड़कियां इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हमारी बहनें माएं, तो वो नंबर देने की उनको जरूरत नहीं है, तो बट उनको जब उनका नाम आएगा तो उनको खुद ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अबरार साहब ने भी कहा कि स्क्रीन शॉट की बड़ी जरूरत है। तो आप सभी से मेरी दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल होगा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ही, जो अबरार साहब आपके साथ शेयर करेंगे पहला सवाल, और जवाब के बारे में भी बताएंगे। अबरार साहब आप सवाल शुरू करें। तो पहले सवाल के हवाले से, और बड़ा एक्साइटेड हूँ इसलिए कि इस हमारे नए इनिशिएटिव के नए प्रोग्राम का ये पहला सवाल है, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी इसे अजर का बायस बनाए और आपके लिए भी सवाब का बायस बनाए, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि बोलना, सुनना और सुनाना ईमान वालों को फायदा देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के नबी ससम की जात के करीब हम सारे जाएं, और उसी ज़ात अक्सस के हम जो है सब उन्हीं के पैरोकार हैं, और उसी ज़ात अक्सस ने पूरी दुनिया में जो है
पूरी दुनिया के अंदर जो है उसी ज़ात अक़दस की वजह से रोशनी आई है। और पहला सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरी यतीम थे और उनके बाद उनकी जो वालिदा थी जब वो इस दुनिया से चली गई, यानी कि बीबी आमिना जब वो इस दुनिया से चली गई, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सबसे पहले दूध पिलाया। तो यही सवाल है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, ये पहला सवाल है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, ये पहला सवाल है। आप दूसरा सवाल रिपीट कीजिए। दूसरा सवाल मैं रिपीट करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसके साथ शादी की तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था, यह है आज का हमारा दूसरा सवाल। तो जवाब हमने बताए हैं कैसे देने हैं, तो बॉक्स भी आपको चूज करना है, तो किस बॉक्स में आप अपना जवाब, एक ही कमेंट में दोनों सवालों का आप जवाब देंगे और आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा, जितना भी हमने टाइम रखा है जवाब के लिए वो टाइम आपको मिलेगा। तो बॉक्स नंबर के जवाब के साथ साथ बॉक्स नंबर भी चूज करें ताकि आपका जो जवाब होगा सही जवाब वो हम किस बॉक्स में डालें ये भी आप हमें बताएंगे। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात की लाज रखी और आपने इस प्रोग्राम को शेयर किया, और भी मेरी दरखास्त है सभी से जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वो भी इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं दूसरा सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया था तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था, यह है आज का दूसरा सवाल। पहला सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल इन्होंने रिपीट किया। अब एक बार फिर से मैं प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तब तक आप जो है जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपने जो जवाब देना है वो दोनों सवाल का एक साथ देना है, अलग अलग सवाल का जवाब ना दें बल्कि एक साथ दें, और उसमें साथ ये भी लिखें कि आप जो अपना सवाल है वो किस बॉक्स नंबर में डालना चाहते हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 या बॉक्स नंबर 3, दोनों सवाल के जवाब दे दें। और उसके बाद नीचे जो है साथ में उसी कमेंट में एक ही साथ जो है ये भी लिखें कि आप किस बॉक्स नंबर में अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। और जरूरी बात, इन तीनों में से एक बॉक्स खाली होगा, खाली दो बॉक्सेस में गिफ्ट होगा, दो बॉक्सेस गिफ्ट से भरे होंगे और एक बॉक्स खाली होगा, इसका भी आप ख्याल रखें। और जब आप जवाब दें तो बॉक्स नंबर चूज करें सोच समझ कर, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये जरूरत नहीं थी हमारी तो, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको एक बॉक्स खाली रखा। देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किसके नसीब, किस बहन के नसीब में इस महीने का गिफ्ट रखा होगा या किस भाई के लिए कौन सा गिफ्ट अल्लाह ताला ने उसके लिए रखा होगा। गिफ्ट सोच से बाहर होगा इंशाल्लाह रहमान, देखते रहिए। मैं दूसरा सवाल फिर से दोहराऊंगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था, ये है आज के हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, पहला सवाल मैं दोहराऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आप सल्लम की वालदा के बाद किसने सबसे किसने पहले दूध पिलाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये पहला सवाल है। तो दोनों सवाल का आप जवाब देंगे एक ही कमेंट बॉक्स में देंगे और बॉक्स नंबर भी चूज करेंगे इंशाल्लाह रहमान। जब 4 जुमा जो हमने रखे हैं ये कंटिन्यू चलेगा एक महीना, और एक महीने के बाद जो संडे होगा लास्ट जुमा, जो इस महीने के 4 जुमा होंगे, चारों जुमों में से जो लास्ट जुमा होगा सैटरडे को छोड़ के संडे हम फिर लाइव आएंगे, और किसी एक का इंतखाब, दो शख्स का इंतखाब होगा जिनको इनामात से हम नवाजेंगे। तो आपसे मेरी दरखास्त है, जवाब हमें आ रहे हैं, बट फैजान बोल रहे हैं कि सवाल रिपीट करें, अपना सवाल जी, श्योर श्योर श्योर। तो पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद
किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की जो है जब वो रहलत कर गए तो उसके बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था सबसे पहले, ये सवाल है। और दूसरा सवाल मैं दोहराऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था। ये हैं आज के हमारे दो सवाल जिनको आपको जवाब देने हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है जवाब देने के बाद अगर आप भी अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। मैं पिछली दफा जब हम रमजान में मैं आपके साथ बात कर रहा था मैं तब भी कह रहा था कि ये सवाब की नीयत से इस प्रोग्राम को आप लें। सवाब की नीयत से इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इस नेक काम में अपने आप को शामिल कर रहे हैं तो जरूर दूसरे का भी ख्याल रखेंगे कि वो भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करें ताकि वो भी अल्लाह के दरबार अच्छी तरह से पेश हो और आपकी वजह से वो हो सकता है जब आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। तो इनाम के हवाले से हम जो बात कर रहे थे तो इंशाल्लाह रहमान तीन बॉक्सेस रखे हैं, तीन बॉक्सेस में दो बॉक्सेस में इनामात होंगे, दो विनर होंगे हर महीने। जब तक अल्लाह ताला हमें इस प्रोग्राम को चलाने की तौफीक देगा तो जरूर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो रमजान का हमारा प्रोग्राम होता है वो इंशाल्लाह रमजान के महीने में जरूर होगा। तो इसमें भी आपको बेहतर लगेगा कि ताकि हम एक दूसरे से ना छुड़ें तो इसको हमने कंटिन्यू किया है। अपनी जो टीम है, अबरार साहब हैं, इनायत साहब हैं, रूप साहब हैं, जो भी हमारे लड़के हैं उनके साथ बात करके ही हमने चाहा कि हम आप लोगों के साथ बिल्कुल कंटिन्यू रहें और सभी ने हमें दुआएं दी हैं तब से जैसे निखार आया है जब से हमने इस प्रोग्राम को किया रमज़ान के प्रोग्राम के तो हमने अल्लाह के ही छोड़ा है कि अल्लाह ताला ने हमें तब से बहुत चीज़ों से नवाजा है तो उसका अल्लाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। मेरी फिर से दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने जवाब देने दे और जवाब जब आपको लगे कि आपने सही जवाब दिया उसके बाद जरूर इस प्रोग्राम को शेयर करेगा। तो मैं अपना सवाल अबरार साहब से गुजारिश करूंगा, वो अपना सवाल फिर से दोहराएं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो आपको जितने भी हमारे साथ एक बार फिर से इस वक्त एक बार फिर से जुड़े हैं तो उन सबके लिए एक बार फिर से मैं सवाल दोहराऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, यानी कि जब बीबी आमिना इस दुनिया से हिजरत कर गई तो उसके बाद सबसे पहले किसने है जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। दूसरा सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था। ये है आज के हमारे दो सवाल। फिर से अपना दूसरा सवाल मैं दोहराऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था। ये है आज के हमारे दो सवाल जिनको आपको एक ही कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और जवाब के साथ साथ आपको इन तीन बॉक्सेस में से एक बॉक्स को चूज करना है कि आपका सवाल किस बॉक्स जवाब किस बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और जिस दिन हम लाइव आके आपके जवाब निकालेंगे तो आपका जवाब अगर बॉक्स नंबर 3 में होगा तो यहाँ इसमें बॉक्स नंबर 3 में भी इनाम होगा। तो इंशाल्लाह रहमान जितने लोग भी इस बॉक्स में जितने भी नाम होंगे तो उसमें से एक नाम निकल के इस बॉक्स के जो गिफ्ट होगा वो उसका हकदार होगा। अगर किसी ने दूसरे बॉक्स में डाला है तो दूसरे बॉक्स में से भी हम एक निकालेंगे और वो दूसरे बॉक्स में जो गिफ्ट होगा वो उसको मिलेगा और तीसरे में जिसने डाला है तीसरे बॉक्स में होगा तो उसका ये नाम निकलेगा। एक बॉक्स इसमें से खाली होगा वो जरूर आप याद रखिएगा। तो मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊंगा, दूसरा सवाल अबरार से कहूंगा पहला सवाल दोहराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद यानी कि जब आप बीबी आमिना इस दुनिया से रहलत कर गई तो उसके बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाया था, यह पहला सवाल एक बार फिर से रिपीट करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। दूसरा सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला से शादी की थी उन्होंने मेहर में क्या दिया था। फिर से दोहराऊंगा दूसरा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की थी तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था। ये है आज के हमारे दो सवाल जिनको आपको जवाब देने हैं।
आपका वक्त हुआ जा रहा है तो शेयर करना आपका बनता है क्योंकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़े। मेरी ये दरख्वास्त रमजान के महीने में भी रहती थी और इस महीने में भी रहेगी। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है जब आप ये दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे वो भी इस्लाम के हवाले से अपने जवाबात देंगे और वो भी इस नेक काम में शामिल होंगे, और अगर उनमें से कोई होगा तो अल्लाह ताला उस वक्त की दुआ जो वो हमें करेगा महीने के आखिर पे कबूल करेगा। तो ये जरिया आप बनिए, स्क्रीनशॉट्स आप भेज दीजिए ताकि आसानी हो जाती है, कोई मिस ना हो। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस नेक प्रोग्राम को चला रहे हैं तो हमसे कोई गलती ना हो, कल को हम अल्लाह के हुजूर हम शर्मिंदा ना हो, तो इसलिए कोई इसमें कोताही ना हो, इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये दे दीजिए। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने जवाब दिए हैं, परे परे, हाजिम अशरफ, हमीम इकबाल हमें देख रहे हैं, हाजी गुलाम कादिर साहब हमें देख रहे हैं, फिरदौस साहिल हमें देख रहे हैं, रईसुल इस्लाम हमें देख रहे हैं, फिरदौस अहमद हमें देख रहे हैं, फैसल मुदस्सिर हमें देख रहे हैं, खान एजाज, अयान नबी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। सूरत हसीब हमें देख रही हैं। अगर कोई सवाल फिर से सुनना चाहता है तो वो जरूर हमें बताएं अपने कमेंट में, हम कमेंट देख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। जरगर बशारत हमारे साथ जुड़े हैं, नसीर शाला हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने भी अपना जवाब दिया है। नवाब हमारे साथ जुड़े हैं। रोजी वानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आप ठीक हो? अच्छे से। मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सभी से कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। दानिश रात्र, ये पुराने नाम भी इसमें बहुत हैं जो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। फयाज बट साहब, फिर ज्यादा बशारत, मसरत नूर, हाँ ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सबको मेरा सलाम है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। आयन, बिलाल, मुख्तार अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। कई सारे लोग जो हैं सवाल दोहराने के हवाले से गुजारिश कर रहे हैं। इससे पहले कि कुछ लोग हमारे साथ बाहर से भी जुड़ रहे हैं, कुछ एक साहब का कहना था कि वो कतर से जुड़े हैं, अलग अलग ममालिक से जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा आपके मशहूर हैं और रहेंगे, इस वक्त भी हैं। हम हमेशा, मैं खासतौर पे आपके सामने जब भी आता हूं तो आपका शुक्रिया जरूर करता हूं, इसलिए कि जब भी आप हमारे प्रोग्राम्स को सराहते हैं, हमारे काम को सराहते हैं, उससे जो है हम और भी जो है कोशिश करते हैं कि हम और भी कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने लाएं और भी हम जो है खिदमत कर सकें। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जब भी हम आपके सामने आए तो कुछ फायदे को लेके आए, कुछ हमारी कौम में इस वक्त बहुत सारे नासूर हैं, उन नासूरों के हवाले से हम जो है अपनी पेशकदमी करें, क्योंकि कल जब हम उठेंगे तो तब हमसे हमारी कुव्वत के मुताबिक सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें अब और एक चीज, इससे पहले कि मैं अपने सवाल दोहरा दूं, और एक चीज जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं तो आप अलग अलग दे रहे हैं, एक साथ एक ही कमेंट में दोनों सवाल का जवाब दें। बहुत सारे जो हैं अलग अलग जवाब आप दे रहे हैं और उसमें बॉक्स नंबर भी नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आप दोनों सवाल का एक साथ जवाब दें और उसके साथ साथ बॉक्स नंबर भी लिखें कि किस बॉक्स नंबर में आप अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना मोबाइल नंबर भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था? ये पहला सवाल है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की थी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था? मैं फिर से अपना दूसरा सवाल दोहराऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ शादी की थी तो उन्होंने मेहर क्या दिया था? ये हैं आज के हमारे दो सवाल जो हमने आपसे पूछे। आप लोगों ने कहा था कि सवाल दोहराएं, तो सबसे दरख्वास्त है जाकिर अतर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाह इनामुल हक हमारे साथ, तेली मंजूर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको सलाम है। वानी वसीम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप आपके जवाबात ले रहे हैं
तो इस बार इंशाल्लाह रहमान किसी को हम मिस नहीं करेंगे। पिछली दफा अगर कोई मिस हुआ होगा तो चार मिनट आपके बचे हैं जवाबात में, अभी भी आप शेयर कम आ रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं उतने शेयर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान शायद आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम ये गिफ्ट्स क्या है जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अभी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबके साथ शेयर करें। इस प्रोग्राम को इसलिए रखा गया है ताकि ये फैमिलीज में घरों में घुस जाए कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। तो मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और वो शख्सियत है जो न कभी आई थी उससे पहले और न कभी आएगी, उसी का ये हवाले से ये हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो जरूर शेयर करिएगा ताकि ये सीरत नबी का जो जिक्र है वो हर घर में हो और हर शख्स, हर बहन, हर भाई इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। तो जरूर शेयर करिएगा। इसमें अखीर में हम एक बार फिर से रिपीट करूंगा सवाल, आप फिर से करें, उसके बाद मैं कुछ दो तीन बातें करूंगा। सवाल जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था? फिर से दोहराऊंगा दूसरा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, तो उन्होंने मेहर में क्या दिया था? यह है आज का दूसरा सवाल। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया? मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद किसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया? क्योंकि वक्त अभी एक ही मिनट बचा है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हम नहीं चाहते हैं अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ता है तो उसका वक्त जो है वो रायगा हो जाए, तो उसका जो है इसीलिए सिक्योरिटी के लिए आप जो अपने आंसर्स के स्क्रीन शॉट्स हैं वो इस नंबर पे जरूर भेजें। नंबर है 7889674207, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे जो है अपने स्क्रीन शॉट्स जरूर सेंड कीजिएगा। वक्त चूंकि अब निकल चुका है, आज शुमारे में हम इतना ही आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। मुस्तान अगले फ्राइडे को यानी कि आखिरी जुम्मा को असर के वक्त जो है हम छह बजे इंशाल्लाह मुस्तान, चूंकि अल्ताफ साहब ने कहा कि 6 बजे उस वक्त जो है, मैं यूं समझता हूं कि तमाम तर मस्जिद में जो है असर का वक्त निकल चुका होता है, तो 6 बजे मुझे लगता है कि अब आने वाले 3 जुम्हों तक के लिए इस महीने के लिए मौजूद है। तो इसलिए इंशाल्लाह रहमान आप ये वक्त जो है नोट कर लीजिए, अगले जुम्मा को 6 बजे हम फिर से लाइव आएंगे और उसके बाद और जो जुम्मा आने वाले हैं कि जो 3 अभी जुम्मे बचे हैं उनमें हम लाइव आएंगे। उसके बाद जो इतवार आएगी यानी कि इन 4 जुम्मों के बाद जो इतवार आएगी उस दिन हम इंशाल्लाह जो है ये लकी ड्रॉ उठाएंगे और अगले जुम्मा में इंशाल्लाह आपके साथ फिर से मुलाकात होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगले जुम्मा फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह